तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम सीबीएसई के डेट शीट के बारे में करते हैं कि देखो सीबीएसई ने डेट शीट अनाउंस कर दी है जो कि 15 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। बट ये डिपेंड करता है आपका कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। देखिए ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है पढ़ने की, अच्छे मार्क्स लाने की। अगर आपको पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो इसीलिए आप पहले से प्रिपरेशन कीजिए। अब जरूर देखते हैं कि हमारा कौन सी डेट पे कौन सा आपका एग्ज़ाम है। तो देखो हमारा जो पहला एग्ज़ाम आपका आने वाला है वो 15 फरवरी को है, जो कि पेंटिंग का है। ठीक, जिसके पास पेंटिंग है उसका एग्ज़ाम है, जिसके पास पेंटिंग नहीं है उसका एग्ज़ाम नहीं है। एंड 16 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है आपका, ये रिटेल्स का, सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव, मतलब जो आपके पास सब्जेक्ट होने वाले हैं तो आपका ये क्या बोलते हैं एग्ज़ाम होगा, सब्जेक्ट नहीं है तो एग्ज़ाम नहीं होगा। अब जरा करते हैं कि 17 फरवरी को कौन सा एग्ज़ाम आपको होने वाला है। 17 फरवरी को हिंदुस्तानी म्यूजिक, इट मीन्स वही बात, आपके पास होगा तो आप दीजिए, स्क्रीन पे आपको दिखे रहे होंगे नाम, बट अगर आपके पास नहीं है तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो जो आपके एग्ज़ाम है, जो हमारे बच्चे आपके जो हमारे नियर बाय में पढ़ते हैं, अब उनका ऐसे आपको देखते हैं कि 19 फरवरी को जो आपका है ना, ये संस्कृत का ये आपका पहला पेपर है। ठीक, फिर आपका जो सेकंड पेपर आने आपका आने वाला है ये 20 फरवरी को है। अब देखो इस पे भी आपका डिपेंड करता है कि अगर ये सब्जेक्ट है उर्दू, बंगाली, तमिल, तेलुगु, अगर ये सारे हैं तो एग्ज़ाम है, अगर नहीं है तो एग्ज़ाम नहीं है। फिर जो 21 तारीख है, इस दिन आपका हिंदी का पेपर है। ठीक, अब आपका आता है कि इसके बाद कि 23 तारीख को कौन सा, सेम ये अगर आपके पास ऐसे सब्जेक्ट होंगे तो आपको ये पेपर देना पड़ेगा। ठीक, नहीं है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर आपका 24 फरवरी, सेम वही चीज़, पर 26 फरवरी को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक, 28 फरवरी को वही आपकी छुट्टी करनी पड़ेगी, या तो हेल्थ केयर या एलिमेंट ऑफ बिजनेस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बट जो आपका 2 मार्च है, उस दिन आपका साइंस का पेपर है। ठीक, उसके बाद आपका आते हैं अगले डेट पे कि 4 मार्च, सेम अगर आपके पास होम साइंस है तो एग्ज़ाम है, नहीं है तो नहीं है। ठीक, 5 मार्च को सेम ये कुछ लैंग्वेजेस आपके हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस, अगर आपके पास है तो पढ़िए, नहीं है तो आप कोई 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 ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद करते हैं कि जो अगला आपका आने वाला है 7 मार्च को, ये हमारा SST का होने वाला है, सोशल साइंस का होने वाला आपका। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं कि 11 मार्च को, तो 11 मार्च को आपका मैथमेटिक्स का। ठीक, अब एक और चीज़ कि जो आपकी एग्ज़ाम की टाइमिंग रहने वाली है वो 10:30 से 1 बजे तक, सॉरी 10:30 से 1:30 बजे तक की रहने वाली है। हाँ, और एक और चीज़, हम अपने इस चैनल पे जो पढ़ाई की वीडियो डालते रहते हैं, तो अगर आपको हमारे माध्यम से पढ़ना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।